इन्हें आज तक की स्ट्रेटजी अपने पेड कोर्स तक में नहीं डाला है। ये भी 1100 पॉइंट का मतलब हजार हजार पॉइंट में तो हम लोग बात ही कर रहे हैं सिर्फ। ओके सो हाय गाइस, इट्स मी योर फ्रेंड कान्हा मोदी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। नाउ गाइस, आज के वीडियो के अंदर लेट मी टेल यू दिस, भाई आपको मजा ना आ जाए तो कह देना। ओके सो नाउ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं RSI की एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों आपने RSI का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब गाइस ये जो RSI है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि हमें मोमेंट को शो करता है। सो नाउ आज जो हम स्ट्रेटजी जानने वाले, आई डोंट नो किसी ने अपलोड किया नहीं कि, लेकिन आपका भाई आपके लिए वो सभी चीजें बताएगा जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। गाइस आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ ना, आई डोंट नो आपको आज से पहले किसी ने कुछ बताया समझाया नहीं समझाया, बट हाँ आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी वर्थ लगे, कुछ भी समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हमारे आने वाले कंटेंट्स जल्द से जल्द आए। और हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन कमेंट करना, जिससे भाई आपका कमेंट पढ़ के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि देखो आपका भाई आपके सारे कमेंट्स पढ़ता है। सो कमेंट थोड़ा अच्छा करना, बाकी चैनल पे ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नाउ गाइस अभी मैं आपको लेके जाता हूँ ट्रेडिंग यूट्यूब पे, वहां पर आपको समझाता हूँ कैसे हम लोग RSI किस न्यू स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। अब ये जो स्ट्रेटजी है गाइस, इसके अंदर हमको कुछ चीजें रिमूव करनी होगी, कुछ RSI की सेटिंग्स करनी होगी। अब हम वो कैसे कर सकते हैं हम लोग सब कुछ जानेंगे। सो अभी मैं ओपन करता हूँ हमारा क्रोम और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो नाउ हमको पहले ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। सो हमको कैसे ओपन करना है, जब हम यहाँ पे आएंगे तो गाइस हमको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, राइट। जब हम ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको गाइस यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है, राइट। कौन सी वेबसाइट है जो आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट दिख रही है, ये आपको ओपन करना है, राइट। इसको आपको ओपन करना है। सो गाइस यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। नाउ अब आपको यहाँ पे जो सर्च है इसके ऊपर कुछ भी सर्च कर सकते हो। मैं बैंक निफ्टी देखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब जो भी लाइव मार्केट पे चलता है सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने RSI को इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमको RSI को कैसे लगाना है, RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। हमको यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखेगा, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI, सिंपली कुछ भी नहीं लिखना, RSI सर्च करना है। जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपको सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे, स्टार है, इसको आप लोग स्टार कर सकते हो तो आपकी वो फेवरेट लिस्ट में ज्वाइन हो जाएगा। नाउ देन इसको ओपन कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे हमारा इंडिकेटर लग चुका है। अब देखो थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि लोग जो पीपुल्स हैं वो कैसे इसको यूज करते हैं, राइट। अभी देखो पब्लिक बोलती है, जो मतलब पब्लिक मतलब लोग बोलते हैं कि भाई RSI के अंदर दो जोन होते हैं। दो जोन कौन से होते हैं, एक होता है अपर और एक होता है लोअर बैंड। ओके यहाँ पे दो लाइंस होती हैं। सो अपर जो होता है वो भाई कुछ भी 70 के पास होता है, नीचे जो होता है ये। तो अब ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको ये लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड होने की भाई बहुत ज्यादा बिक चुका है, यानी कि 2 सेकंड एडवर्टाइजमेंट हटाते हैं, हमारे कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो देखो ओवरसोल्ड यानी कि भाई ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा बिक चुकी है। यहाँ से हम लोग यानी कि जो हमारा मार्केट है, जैसे कि ये हमारा चल रहा है, सो जब भी मार्केट 30 के पास में आएगा तो ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ से हमको लॉन्ग करना है, यानी कि ऊपर के लिए पैसा लगाना है, ऐसा यूट्यूबर्स कहते हैं। ओके मेरी बात को सुनना। और जब मार्केट 70 के पास में जाए तो यहाँ से हमको नीचे के लिए पैसा लगाना है, ऐसा कहा जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो ऊपर जो नीचे वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा बिक चुका है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या फिर एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो RSI भी ऊपर जाएगा। और जो 70 है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरबॉट। ओके अब ये ऊपर वाला हो गया हमारा ओवरबॉट, नीचे वाला हो गया हमारा ओवरसोल्ड। ओके तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में क्या है, ऐसा कहा जाता है यूट्यूबर्स के द्वारा कि भाई जब ये जो RSI है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जब 30 के पास में आए तो हमको ऊपर के लिए खरीदना है, और जब 70 के पास में आए तो हमको नीचे के लिए बेचना है। जैसा कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उनका कहना कैसा रहता है कि आप लोग यहाँ पे RSI को देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ में आया, नीचे की तरफ में आया, फिर ऊपर उड़ गया, फिर ऊपर की तरफ में गया, नीचे उड़ गया। ओके नीचे गिर गया, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर उड़ गया, फिर से ऊपर आया, ऊपर से नीचे गिर गया, फिर से देखो, फिर से यहाँ पे नीचे आया, नीचे से ऊपर उड़ गया। तो ऐसा उन लोगों का कहना है, लेकिन गाइज ये हर वक्त काम नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता है मैं आपको समझाने का थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट लगा दिया, अब मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है, ये जो जोन है आप लोग देख सकते हो, ये मैं इसको थोड़ा सा RSI को ऊपर कर लेता हूं। मार्केट यहाँ पे आया है, अब RSI इस जगह पे आया है। उनका कहना क्या है यूट्यूबर्स का कि भाई जब भी इसके पास आए ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा गिर चुका है, यहाँ से मार्केट एक पुल अप लेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग खरीदते, तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ी लॉन्ग पोजीशन लेते तो देखो मार्केट ऑल ओवर तो ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड का ही है, क्यों है। लेकिन अगर मैं आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करके बताऊं और आपको मेरी खुद की लाइक कुछ नई स्ट्रेटजी बना के बताऊं तो कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, राइट। तो अब देखो हमको इसके अंदर क्या करना है, हमको ना इसके अंदर अपर बैंड चाहिए, जैसा कि वो लोग आपको कहते थे, जैसे कि ये दो लाइन है 70 की 30 की, अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं। अब हमारा इसके अंदर सिंपली वर्क कैसे होगा, मैंने आपको कहा था गाइस इसके अंदर कुछ हमारी सेटिंग्स है, हमको सेटिंग्स को कैसे अप्लाई करना है। गाइस जितना हो सके वीडियो को स्किप करके मत देखना, जिससे क्या होगा भाई कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ भी आपसे मिस ना होगा, राइट। तो आपको सेटिंग्स करने के लिए आपको RSI जो लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ तो आपको जो है इनपुट में रहेगा, आपको स्टाइल पे आना है, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है फर्स्ट में, यहाँ पे स्टाइल इस पे आना है। यहाँ तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे RSI का अपर बैंड, RSI का मिडिल बैंड और RSI का लोअर बैंड हटाना है। उसके बाद RSI का बैकग्राउंड भी हटा देना है। अब नाउ सिंपली हमको हमारा RSI ऐसा रखना है, राइट, हमको हमारा प्रॉपरली RSI ऐसा रखना है। अब यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक येलो येलो दिख रही है, राइट। सो हमको येलो येलो अगर आपकी ऑन ना हो, अगर आपकी येलो येलो ना हो ऑन, तो ये जो RSI बेस्ड MA है इसको आपको सिलेक्ट करना है, इसको आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है जो कि RSI के साथ में वर्क करता है। अब जो RSI है भाई वो मोमेंटम इंडिकेटर है, जो मार्केट में मूवमेंट होगा उसके हिसाब से वो मूवमेंट करेगा, राइट। तो हमको RSI बेस्ड मूविंग एवरेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आपका पीली लाइन नहीं है तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आ जाएगी। अब हमको कैसे एंट्री लेना है, कैसे हमको एग्जिट लेना है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट जब एक हाई बनाए, यानी कि देखो ये हाई बनाए, ये हाई बनाए, तो हमको यहाँ पे एक हाई का लेवल मिल चुका है। आप लोग देखो एक तरीके से हम इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पे RSI के ऊपर रेजिस्टेंस लगाया है, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है मार्केट फॉल, यहाँ पे टच हुआ है मार्केट फॉल, देखो यहाँ पे टच हुआ है मार्केट फॉल, यहाँ पे टच हुआ है यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। यहाँ से वापस फॉल, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स, अभी मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी में कितने कितने पॉइंट्स है, तो आप लोग खुद देखो। ये देखो भाई 1100 पॉइंट किससे पिक किया हमने, सिर्फ और सिर्फ RSI से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फिर से मार्केट आया किस लेवल पे, यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे जैसे टच हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया हमारा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिवर्सल कैंडल यहाँ पे दिख रही है, आपको दिख रही है ये रिवर्सल कैंडल, डोजी टाइप वगैरह, ये क्या बता रही है कि भाई यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो बुलिश लोग है उनकी स्ट्रेंथ है एकदम ढीली पड़ चुकी है, यानी कि यहाँ पे वो लोग पावर भी लगा रहे हैं फिर उसको नीचे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बियरिश लोग हैं वो ज्यादा हावी पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर देखे तो कितने पॉइंट है ये, आप लोग देखो ये भी भाई 1100 पॉइंट है। हमको कैसे मिले, हमको हमारे रेजिस्टेंस से मिले। अब यहाँ पे हमको किस चीज का, देखो ये तो मैंने मिटा दिया और मैं आपको वापस बोलूंगा इसको वापस से हटा दो, कोई मतलब नहीं है। एक तो मैंने आपको RSI की स्ट्रेटजी ये बता दी कि आपको भाई कैंडल स्टिक पैटर्न कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है, अब जो मेन गेम है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी तक जो लोग बैठे थे ना, जिसने ये चीज देख ली है वो जाएंगे, भाग जाएंगे, वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन अभी जो लोग बैठे हैं अब उनको भाई मजा आने वाला है। ऐसे आने वाला है कि देखो मैं आपको बताता हूं, आप लोग देख सकते हो यहां पे दो लाइन है, ये जो येलो वाली है इसको हम लोग बोलेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सा है, RSI बेस्ड। तो जब भी RSI को या ये ऊपर की तरफ में RSI इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या फिर इसको नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है, तो देखो जब भी RSI इसको नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है उस टाइम हमको क्या बाय करना है, पुट। ओके, पुट यानी कि हम लोग नीचे के लिए खरीदेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ तोड़ा, कौन से लेवल पे तोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ये इस वाले लेवल पे। तो अगर हम लोग इस कैंडल पे भी बाइंग कर लेते भाई, तो हमको यहां तक का टारगेट मिल जाता। और यहां तक के टारगेट के पीछे का कारण क्या पता है, हम लोग मार्केट देख ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं RSI। ये देखो ये स्विंग है, तो हमारा एक टारगेट तो हमें ये पता चल गया कि भाई मार्केट तो यहां तक तो आना है RSI गिरते गिरते, भले ही बीच में कुछ भी कैंडल बना रहा है, हमको कैंडल से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं है। हमारा RSI का इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिला, हमने बाय किया पुट और देखो गिरा है प्रॉपर। हम लोग अगर ये सपोर्ट रखते और ये टारगेट रखते तो प्रॉपरली टारगेट भी अचीव होता। अब मानो, अब मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। देखो यहाँ पे हुआ भाई ब्रेकआउट RSI का मूविंग एवरेज के साथ, मूविंग एवरेज को RSI ने ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया और फिर ऊपर निकला। अब फर्स्ट टारगेट क्या है हमारा, ये वाला। तो देखो प्रॉपरली हमको फर्स्ट टारगेट मिला, यानी कि हमारी बाइंग इधर होती तो हमको प्रॉपरली फर्स्ट टारगेट यहाँ का मिलता प्रॉपरली। हम लोग कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देख रहे हैं, कोई चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम लोग दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ RSI, और RSI दैट इज अ गुरु मंत्र। हम अगर मान लो किसी रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और रेगिस्तान में हमें किसी ने बोल दिया कि भाई इस तरफ है दुबई जाने का रास्ता, तो हम लोग दुबई के रास्ते निकल जाएंगे और ज्यादा रेगिस्तान में थोड़ी जाएंगे। तो जब कोई बंदा बोल देगा कि भाई इधर है रेगिस्तान में जाने का रास्ता, तो हम लोगों को ज्यादा मोटिवेशन आएगा, हम लोग ज्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई चलो कम से कम रास्ता तो मिला, राइट। ऐसे ही हमारा ये RSI है। अब हमको, मैंने आपको बता दिया अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड सब कुछ हटाना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। नाउ अभी मैंने यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन पे भी वर्क कर रहे हैं, कैसे कि देखो यहाँ पे पूरा के पूरा मार्केट, ये देखो ये अभी जो हमारा RSI है यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया सपोर्ट लिया फिर से, अब देखो यहाँ पे आया फिर से सपोर्ट लिया स्कैल्प, यहाँ पे आया फिर से सपोर्ट लिया स्कैल्प, ये देखो यहाँ पे आया फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया फिर से सपोर्ट लिया स्कैल्प। सो ऐसे हम लोग छोटे छोटे मूवमेंट के अंदर तो स्कैल्प ले सकते हैं, लेकिन जब हमको बड़े पॉइंट पिक करने, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई ब्रेकडाउन कहाँ पे, इस लेवल पे हुआ। अब हमको चार्ट देखना ही नहीं है, मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट टारगेट क्या, फर्स्ट टारगेट ये रहा, और प्रॉपरली फर्स्ट टारगेट मिला, सेकंड टारगेट क्या, सेकंड टारगेट ये रहा, थर्ड टारगेट क्या, थर्ड टारगेट ये रहा, ओके। उसके बाद देखो फोर्थ टारगेट भी हमको प्रॉपरली यहाँ पे मिला। सो ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट का बताया ना, यानी कि हर बार गिरने पे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ गिरने पे, क्योंकि यार आप लोग ये ट्रेंड देखो, ये पूरा का पूरा ट्रेंड ही एक बियरिश साइड का है, यहाँ पे बियरिश लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है।
यहाँ पे बेयरिश लोग बहुत ज्यादा है। सो देखो मैंने आपको बताया हमको कोई लेवल नहीं देखना है। यहाँ पे क्या है कि ये देखो पूरा के पूरा मार्केट इसके आरएसआई के यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे मिला एक ब्रेकआउट, किस लेवल पे यहाँ पे मिला है, ये एक सपोर्ट जोन भी है प्रॉपरली। देखो यहाँ से जब मार्केट निकला फर्स्ट टारगेट क्या था, प्रॉपरली फर्स्ट टारगेट ये था, फर्स्ट टारगेट को ब्रेकआउट कर दिया, सेकंड टारगेट क्या था ये, और इसमें भी देखो सेकंड टारगेट क्या था ये, और प्रॉपरली सेकंड टारगेट पे रेजिस्टेंस लिया। देखो ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे ना, वैसे ही देखो यहाँ पे इस लेवल पे, ये इस लेवल पे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ब्रेकडाउन वापस से रिटेस्ट हुआ और गिरा, यहाँ पे क्या हुआ भाई, ब्रेकडाउन वापस से रिटेस्ट हुआ और फिर गिरा गिरा प्रॉपरली। अब मैं आपको टारगेट बता रहा था, तो देखो टारगेट कैसे देखेंगे, फर्स्ट टारगेट, अब देखो इसके अंदर मैं फर्स्ट टारगेट्स बताता हूँ आपको कि अभी देखो ये हमारा लेवल दिख रहा है, ये हमारी रेंज दिख रही है, सो ये हमारा फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हमें ये दिख रहा है, सेकंड ये हो सकता है, सो ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। अभी आप लोग बताओ, अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग अगर इसके अंदर स्कैल्प भी ले रहे हो, बीटीएसटी भी ले रहे हो। सो अभी हम लोग इसके थोड़े से और एग्जांपल्स देखने की तरफ चलते हैं, थोड़े से बड़े बड़े पिक करेंगे, राइट। अभी हमको थोड़ा लॉन्ग लाइक पॉइंट्स पिक करने हैं। सो देखो अब यहाँ पे देखो आरएसआई है हमारा इसके नीचे, अब यहाँ पे आरएसआई ने किया भाई ब्रेकआउट। अब देखो ये छोटे मोटे ब्रेकआउट के अंदर बाइंग नहीं करनी हम लोग, थोड़ी जगह ट्रेड जरूर होंगे, यानी कि कोई सी भी स्ट्रैटेजी एकदम 100% नहीं देती है, और ना 100% बोलते कि भाई 100% सक्सेस होगा, लेकिन कुछ हमको एसएल्स देने होंगे, कुछ एसएल देने, लेकिन टारगेट्स बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। तो मान लो अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट हुआ, राइट, मान लो ये हमको ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट यहाँ पे, अब देखो ये तो भाई पूरी साइडवेज जोन है। अब मान लो आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरएसआई देख के काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पे एक और सेकंड ब्रेकआउट मिला है, कहाँ पे, इस वाले लेवल पे। अब अगर हम लोग भाई खरीद लेते तो सोचो हमको कितना पॉइंट मिल रहा था, कितना पॉइंट मिल रहा है। देखो और देखो टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट टारगेट तो यही था, और प्रॉपरली मार्केट जैसे मूविंग एवरेज के पास आया फिर उठा, जैसे आया फिर उठा, और पूरा के पूरा टारगेट हिट कराया भाई, पूरा के पूरा टारगेट। और आपको एग्जांपल्स मैं भाई ऐसी पूरी रात आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ, ओके, पूरी रात। देखो अब मैं आपको और बताता हूँ, अब देखो यहाँ पे हर जगह तो है भाई। देखो अब हमको ऐसे में हम लोग चाहे तो मार्केट का ट्रेंड भी देख सकते हैं, जैसे कि भाई अगर देखो एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो देखो पूरा के पूरा मार्केट ये है, ऐसे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ओके, यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन, अब देखो यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन, और यहाँ पे भी हुआ इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन, यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज ने भी इसको नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारे लेवल्स के हिसाब से, ये वाला प्रॉपरली मिला है, ओके, इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला, तो आरएसआई ने भी हमको प्रॉपरली टारगेट दिया है गाइस। और हो सके ना, मैं तो चलो ठीक है मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन हो सके तो इस हिडन स्ट्रेटजी को जाके एक बार चेकआउट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ जाके चेकआउट कर लेना। हमको कोई कैंडल स्टिक ही नहीं चाहिए भाई, ना कोई हमको दुनिया का कैंडल स्टिक चाहिए, ना हमको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हाँ आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते आता है तो आप लोग एक बार मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करने का ट्राई करना, और जितने बड़े उस पे टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज लगाओगे उतना अच्छा वर्क करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे अब मैंने एक घंटे का मूविंग एवरेज लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको क्या मिला भाई, इसी कैंडल पे, ये तो नेक्स्ट डे का इतना बड़ा गैप डाउन था, ये पूरा क्या है, जो पूरा है भाई ये गैप है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारे आरएसआई ने इस जगह पे क्या किया, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया, राइट। अब यहाँ से हमारा क्या कहता है भाई इंडिकेटर, कि यहाँ से मैं फॉलूंगा, अगर हमने यहाँ पे बीटीएसटी भी बाय कर लिया होता तो अगले दिन हमको कितना बड़ा टारगेट मिलता भाई। और अगर मैं आपको पॉइंट्स में बताऊं भाई ये कितना पॉइंट है, आप लोग खुद देखो, अगर मैं इस वाले लेवल से भी देख लूं तो भाई ये कितना पॉइंट नीचे खुला है, 1100 पॉइंट भाई, बीटीएसटी के अंदर 1100 पॉइंट आपको मिल रहे थे और सिर्फ इस एक स्ट्रेटजी की बदौलत। स्ट्रेटजी जो है मैंने आपको जो चीज बताई अभी वो एक घंटे के टाइम फ्रेम में, मैंने क्या कहा भाई जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी कंफर्मेशन, इस चीज को लिख लो जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी कंफर्मेशन, राइट। अब देखो अब हम लोग और कैसे काम कर सकते, आप लोग यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे वापस सपोर्ट लेते हुए दिखा, ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ से वापस उठ गया, उठा। अब देखो टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट प्रॉपरली दे रहा भाई, कितने सिंपली से दे रहा है, देखो यार ये देखो फर्स्ट टारगेट ये रहा, ओके, ये ऐसे ऐसे पूरा के पूरा। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, मार्केट फॉल हुआ, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या मिला भाई ब्रेकआउट, किस वाले लेवल पे मिला, मान लो इस वाले लेवल पे ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे इतना बड़ा गैप अप। अगर हम लोग ऐसे बीटीएसटी भी बाय कर रहे ना, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने नीचे की तरफ में तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ से अगर हम लोग इसे पॉइंट पिक करेंगे तो भाई कितना बड़ा प्रॉफिट बनेगा। ऐसे मैं आपको बहुत सारे लाइक बहुत सारे ही बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ, वापस से मार्केट आया, यहाँ से फॉलो हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ भाई ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, अब मैं आपको चार्ट में भी बताता हूँ चार्ट के अंदर कैसा क्या चीजें रिएक्ट कर रही है, राइट। अब मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पे हो गया है ब्रेकआउट, यहाँ पे हो गया है ब्रेकआउट, इस वाले लेवल पे हो चुका है ब्रेकआउट, नीचे आया, अब देखो ये वापस से यहाँ पे आया, यहाँ से वापस उठा। अब मैं आपको बताऊँ ना भाई ये कितना पॉइंट है, अब मैं आपको अगर टारगेट बताऊँ टारगेट कैसे लेंगे इसके थ्रू, तो देखो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये है प्रॉपर, ये वाला, ओके, प्रॉपर दिया। सेकंड टारगेट हमारा ये है, प्रॉपर दिया भाई, प्रॉपर, अगर थोड़ा इंतजार करते बीटीएसटी भी होल्ड करते, प्रॉपर दिया है इस स्ट्रेटजी ने, प्रॉपर दिया है। हमको ना कोई दुनिया के कैंडलस्टिक चाहिए, हमको कुछ चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए आरएसआई,
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमको बताता है किधर खरीदना है किधर बेचना है। लेकिन ये चीजें हर जगह नहीं होती, ये स्ट्रेटजी को हो सके बैकटेस्ट करके देखो। यहाँ पे क्या मिला, ब्रेकआउट, इस वाले लेवल पे मेरा ब्रेकआउट एक घंटे के टाइम फ्रेम में ऊपर, वापस से एक घंटे के टाइम फ्रेम में ऊपर। यहाँ पे क्या मिला, ब्रेकआउट, यहाँ पे क्या मिला, देखो किस वाले लेवल पे मिला, इस वाले पे, राइट, ये देखो इस वाले लेवल पे, यहाँ से मार्केट वापस से बुलिश, यहाँ पे मिला ब्रेकडाउन, यहाँ से मार्केट वापस से बियरिश, ओके, यहाँ पे मिला ब्रेकआउट, यहाँ से वापस से बुलिश, यहाँ पे मिला ब्रेकडाउन, यहाँ से मार्केट वापस से बियरिश। यहाँ देखो ना आप, मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ सब चीजें देखो, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस वाली जगह पे मिला ना हमको, किस जगह पे मिला ब्रेकडाउन, चलो मान लो इस वाली जगह पे, ये यहाँ पे मिला ब्रेकडाउन और क्या हुआ नीचे, ओके, यहाँ पे मिला ब्रेकआउट क्या हुआ ऊपर, यहाँ पे मिला ब्रेकडाउन क्या हुआ नीचे, यहाँ पे मिला ब्रेकआउट क्या हुआ ऊपर। कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है इंडिकेटर बताओ। सब चीजें हमको कुछ नहीं देखना भाई, ये स्ट्रेटजी इज अ गुरु मंत्र मैंने आपको दे दिया। मैंने आज तक ये स्ट्रेटजी अपने पेड कोर्स तक में नहीं डाला, लेकिन मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री में दे दिया। सो ये चीज को फॉलो करना, स्ट्रेटजी आज तक कहीं पे अपलोड नहीं, आई डोंट नो किसी ने अपलोड किया नहीं किया, लेकिन ये चीज मैंने आपको दे दी है, ये चीज मैंने आपको दे दी है, इस चीज को फॉलो करो। और मैंने आपको एक चीज बोल दिया कि भाई जितना बड़ा टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा प्रॉफिट, उतना बड़ा प्रॉफिट, ओके। अब देखो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रॉफिट होगा, कोई सी भी स्ट्रेटजी एकदम 100% सक्सेस नहीं होती है, लॉसेस होते हैं, ओके, बट हम, मैंने आपको क्या बोला, जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी कंफर्मेशन, उतना बड़ा प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग खरीदते, ये पॉइंट्स देखना मैं आपको बोल रहा हूँ ना भाई, ये आप लोग देखो, मैं ये मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट, इतना बड़ा पॉइंट, ओके ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन, और यहाँ पे इतना फॉल, ओके ठीक है, फिर यहाँ पे मिला भाई ब्रेकआउट, यहाँ पे बाय, ओके। अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कितने कितने पॉइंट्स के मोमेंट थे, आप लोग अगर हीरो जीरो भी लेते तो कितना पैसा बना लेते। ये जो मोमेंट है ना भाई 1600 पॉइंट का है, ठीक है, उसके बाद क्या मिला ब्रेकडाउन, ये जो ब्रेकडाउन है ना भाई ये 1100 पॉइंट का है। उसके बाद देखो अभी तो मेरे को भाई ये बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, ये सब एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो मिला है ब्रेकडाउन, यहाँ से अगर हम लोग ये लें तो ये भी 1100 पॉइंट का, मतलब 1000-1000 पॉइंट में तो हम लोग बात ही कर रहे हैं सिर्फ। स्ट्रेटजी भाई गुरु मंत्र है, स्ट्रेटजी इधर दिखे ना, कान्हा की स्ट्रेटजी बोलने का, क्या बोलने का, कान्हा की स्ट्रेटजी। इसमें हम लोग अगर बीटीएसटी लेके भी जाते हैं ना तो हमको प्रॉपरली पता होता है भाई क्या होता है, ओके। ये चीजें सब आपको दिख रही है और सब कुछ बिक रही है। सो ये जो गुरु मंत्र है ना, किसी को देने का नहीं है, अपने को अंडरग्राउंड काम करने का भाई, आपका कोई दोस्त दोस्त हो तो उसको शेयर कर देने का, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपका क्या है भाई, आपका होमवर्क भी दे देता हूँ मैं हर ट्रेडर को, लाइक जो अपना भाई है सबको होमवर्क देता हूँ। तो आप लोगों का क्या काम है कि जाओ इस स्ट्रेटजी, इसको जा करके बैक टेस्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को जा करके बैक टेस्टिंग करो, ओके, बैक टेस्टिंग करो। क्योंकि इंसान मेहनत 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 फिर मिलता है रिजल्ट, वैसे ही वर्क 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 देन रिजल्ट, ऐसे ही इसके अंदर है। जब तक आप इसमें वर्क नहीं करोगे थोड़े टाइम तक, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। लाइक यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया ट्रैप भी होता है, ये देखो यहाँ पे मिला ब्रेकआउट, यहाँ पे मिला प्रॉपरली, ये मूवमेंट मिला, ओके, यही है ना, ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे अब ये हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम लोग हमारा प्राइस एक्शन जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आया प्रॉपरली रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया प्रॉपरली ट्रेप किया। तो हमेशा हमको इसके भरोसे नहीं रहना, हमको इसके अंदर टेक्निकल्स भी देखने हैं। तो टेक्निकल्स सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा वर्थेबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना भाई। 1000-1000 पॉइंट बहुत बड़े बड़े चीजें होती है, एंड आई डोंट नो आज के पहले वीडियो किसी ने डाला नहीं डाला, लेकिन आपका भाई है ना आपके साथ सब कुछ डालेगा, डोंट वरी। ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए कान्हा शेयर को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना।